स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज हम जैसे आर टी क्लास एट डेफोडिल इंग्लिश के चैप्टर वन एंड दोस्त के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं तो इसमें सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसमें पहला प्रश्न है विच क्वेश्चन प्रश्न किन सवालों ने केशव और श्यामा को अंडे के बारे में उत्सुक कर दिया था तो इसका उत्तर है हाउ डिड द चिक्स कम आउट हाउ बिग वुड द हाउ मैनी वाट कलर्स वुड दे डिड दे इट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मेड एंड अबाउट द एग चूजा कैसे बाहर निकलेगा चूजे कितने बड़े होंगे अंडे कितने होंगे वे किस रंग के होंगे वे क्या खाते होंगे इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न केशव और श्यामा को अंडे के बारे में उत्सुक कर दिया था अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन वार्ड थ्री डिड थिंग्स डिड द चिल्ड्रेन टू डू प्रोटेक्ट द एग्स अंडों की सुरक्षा के लिए बच्चों ने कौन से कौन से तीन काम किए इसका आंसर है द चिल्ड्रन डन थ्री थिंग्स फर्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ फूड एडजस्टमेंट ऑफ वाटर एडजस्टमेंट ऑफ रूफ बच्चों ने अंडों के लिए तीन जो काम किए वो नीचे दिए गए हैं सबसे पहले भोजन की व्यवस्था पानी की व्यवस्था और अंडे जो है धूप में पड़े हुए थे तो उसके लिए उन्होंने छत की व्यवस्था कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड केशव थिंक ऑफ मेकिंग ए कुशन कुजिन फॉर द एग्स केशव ने अंडों के लिए गद्दी बनाने का विचार क्यों किया तो इसका आंसर है व्हेन केशव saw the eggs on direct sunlight he thought making a cushion for the eggs जब केशव ने देखा कि अंडे डायरेक्ट सनलाइट मतलब सीधे सूरज के धूप में पड़े हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि इन अंडों के लिए एक गद्दी बना देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वक्स्यूज दिट टू श्यामा केशव ने श्यामा को अंडे ना दिखाने का क्या बहाना बनाया तो इसका आंसर है श्यामा टू शो द एक्स केशव एक्सक्यूज यू विल फॉल डाउन मा विल मेक चटनी आउट ऑफ मी जब श्यामा ने अंडे दिखाने के लिए केशव को बोला तो केशव ने बहाना बनाया केशव ने एक्सक्यूज किया कि तुम गिरोगी तुम नीचे गिर जाओगी तो माँ मेरी चटनी बना देगी नेक्स्ट क्वेश्चंस कंपेयर द फीलिंग ऑफ केशव एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्टोरी कहानी की शुरुआत और अंत में केशव की भावनाओं की तुलना करें तो इसका आंसर है इन फर्स्ट केशव वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड बट इन लास्ट काज ऑफ ब्रोकन एग्स ही फेल्ड पेंड शुरुआत में जो है बहुत खुश और एक्साइटेड था अंडों के बारे में जानने के लिए लेकिन बाद में जब अंडे टूट गए तो उन्हें यहाँ दिए गए स्टेटमेंट सही या गलत है ये हमें बताना है जिसमें पहला प्रश्न है फर्स्ट क्वेश्चन ए बर्ड लेड एक्स जस्ट अब वेंटिलेटर इन केशव हाउस एक बच्चे एक चिड़िया ने केशव के घर के वेंटिलेटर के ऊपर अंडे दिए थे तो इसका आंसर फॉल्स होगा क्योंकि चिड़िया ने केशव के घर के वेंटिलेटर के ऊपर अंडे नहीं दिए थे उन्होंने चिड़िया ने केशव के घर के कार्निश के ऊपर अंडे दिए हुए थे नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामा एंड केशव वर फ्रेंड्स तो इसका भी आंसर फॉल्स होगा श्यामा और केशव फ्रेंड्स नहीं थे श्यामा और केशव दोनों भाई बहन थे नेक्स्ट क्वेश्चन देर वारी एग्स इन द ने इसका उत्तर ट्रू होगा ट्रू होगा घोंसले में अंडे थे? Next question, the month of winter. तो इसका आंसर भी होगा, क्योंकि वो वो जो दिन था वो ना होकर के वो समर का दिन था. Next question, पैंड, ब्रोक। तो इसका भी आंसर ट्रू होगा जब अंडे टूट गए तो कैसा बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द्वेश्चन विथ रेफरेंस ऑफ कंटेक्सट नीचे दिए गए कॉन्टेक्स्ट के नीचे दिए गए वाक्य के, के अनुसार से नीचे दिए गए क्वेश्चन को आंसर देना है जिसमें पहला कॉन्टेक्स्ट है आर यू डूइंग आउट इन द द सन फर्स्ट क्वेश्चन हु इज स्पीकर जो ऊपर दिए गए सेंटेंस है उसमें हु मतलब स्पीकर कौन है कौन बोल रहा है तो इसका आंसर होगा श्यामस मदर जब बच्चे धूप में बाहर खेल रहे थे मतलब तो बाहर अंडों के पास थे तो, तो माँ जो है बाहर आकर के देखती है और बच्चों को

नेक्स्ट क्वेश्चन यू मस्ट हैव सेड तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हु इज यू हेयर तो इसका आंसर है केशव यहां पर यू कौन है तो so, इसका आंसर है केशव नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मा टॉकिंग अबाउट इन दिस लाइन इस वाक्य में मां किस चीज के बारे में बात कर रही है तो so, इसका आंसर है अबाउट द ब्रोकन एग यहाँ पर माँ जो है वो टूटे हुए अंडे के बारे में बात कर रही है right क्वेश्चन मा तो में माँ अपने गेस में सही थी तो इसका भी आंसर सही होगा माँ ने गेस किया था कि बच्चे नहीं अंडे तोड़े होंगे और सच में अंडों को बच्चों नहीं तोड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द समरी यहाँ जो समरी नीचे दिया गया है उसको कंप्लीट करने के लिए जो वर्ड दिए गए हैं बॉक्स में उसको भर करके कंप्लीट करना है जिसमें फर्स्ट है broken, eggs, suffer, bugs, birds, carnage, children, और आपका जो समरी दिया है दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्लैंक स्पेस हु डिस्कवर्ड एक्स लेड बाई ए बर्ड ऑन द ब्लैंक स्पेस ऑफ दियर हाउस The children feel that the blank space are unsafe and they should do something to protect them. Later they found the the eggs to be blank space. The children in their innocence and lack of blank space feel that they are helping the blank space by transferring the X to a blank space place. But their good intentions only lead to the blank space of the eggs. Which so, answer? Is this story is about two children who discover eggs laid by a bird on the cornice of their house. The children feel that the eggs are unsafe and they should do something to protect them. Later, they find the eggs to be broken. The children in their innocence and lack of knowledge feel that they are helping the birds by transferring the eggs to a safer place. But दे आर गुड इंटेंशन ओनली लीड्स टू द्रेकिंग ऑफ द एग्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके